हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आई होप सब बढ़िया होंगे, हम लोग भी बढ़िया है गाइस। और देखिए, मेरी दिन की शुरुआत हो गई है और मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही हूँ। और सुबह सुबह अभी 4:30 हुए हैं और इतना सुहाना मौसम हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मैं अभी झाड़ू तो गाय मेरा झाड़ू वगैरह हो गया, मैं पोछा लगाती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे गाइस। तो गाइस, मैं अभी किचन पर आ गई हूँ और ये मैंने कल रात से तैयारी करके रखा था। और यहाँ पे 4 टमाटर निकाले, देसी टमाटर, गाजर काटा है, बीटरूट काटा है, आलू काटा है और ये मटर भिगाए के रखे थे रात को ही, मैंने वॉश करके रख दिया है। और यहाँ पे मैं सारे सब्जी को कुकर पर डालूँगी और सीटी लगाऊँगी और थोड़ा सा नमक ज़्यादा डालना है इस पर, नमक डाल से ना जल्दी पक जाता है। और मैंने थोड़ा तेल भी डाल दिया है और हल्दी भी डाला है थोड़ा। और गोवा में ना इसको बोलते हैं वटाना रोस्ट भी बोलते हैं, कोई वटाना रोस्ट भी बोलते हैं, और वटाना बोलते हैं मटर को गोवा में, वटाना बोलते हैं। और मैं आज वही डिश बना रही हूँ और बहुत टेस्टी रहती हैं। तो गाइस, अभी बिल्ली आए हैं। बिल्ली के लिए पहले मैं ये मलाई निकाल लेती हूँ क्योंकि दूध देना रहेगा बिल्ली को, और दूध भी मैंने पहले ही निकाले थे, नहीं तो ठंडा दूध पीती नहीं है बिल्ली। और यहाँ पर मेरा वटाना सीटी लग गई है और पक गया अच्छी तरह से। और यहाँ धनिया मैंने भिगा के रख दिया है वॉश करके, अदरक पेस्ट बना दिया। यहाँ पर एक प्याज काट लिया मैंने, अभी मैं उसको छौंक दूँगी। और टमाटर वगैरह तो मैंने पहले ही डाल दिया था। तो गाय, यहाँ पे मैं एक भगोना रख दिया है और ये नारियल भी कट करके रख लिया है, नारियल ग्राइंडर करूँगी मैं। और यहाँ पे मैं राई का तड़का दे रही हूँ और मेरे पास आज करी पत्ता नहीं है, नहीं तो करी पत्ता का तड़का बहुत अच्छा लगता है उस पर। और देखिए, मेरा अभी तेल गर्म हो गया है, मैं इसको अभी तड़का दूँगी। तेल भी बहुत कम डालना है क्योंकि नारियल में तेल ज़्यादा रहता है, तो उसमें ज़्यादा तेल नहीं लगता है। और देखिए, मैंने यहाँ पर अदरक पेस्ट भी बना के रखा था, वो भी डाल दिया है। तो गाइस, मैं इसको थोड़ा फ्राई कर लूँगी और ज़्यादा फ्राई नहीं करती मैं, हल्का सा फ्राई करूँगी। तो गाइस, यहाँ पे मैंने अभी मेरा ये पक चुका है, देखिए कितने अच्छे से पका है। और ये देखिए, वटाना भी एकदम से अच्छे से पका है और बीटरूट वगैरह सारे पक गए हैं। तो गाइस, मैं अभी छौंक लगाती हूँ इसको। तो गाइस, मैं नारियल को ग्राइंडर कर लेती हूँ और यहाँ पे मैंने दाल भी छौंक लगा लिया है। अभी मैं नारियल को ग्राइंडर करके उसमें डालूँगी और उस तरह से थोड़ा पका लूँगी फिर उसको अच्छी तरह से मिक्स करके। तो गाय, इस तरह बना लेना है इसका पेस्ट। और यहाँ पे मैंने बहुत पतला नहीं बनाया इसका पेस्ट, थोड़ा मोटा ही रखा है। और तो गाय, देखिए मेरा सांभर बन गया है और देखिए कितना मस्त लग रहा है मेरा सांभर, मैंने पतला ही बनाया है मैं ज़्यादा। तो गाइस, यहाँ पे मैंने ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाया है, और क्योंकि ज़्यादा गाढ़ा वाला कोई भी नहीं खाता हमारे घर में, किसी को पसंद नहीं है। और मैं इसको और 10 मिनट और कवर करके अच्छे से पका लूँगी लो फ्लेम में। तो गाइस, मेरा वटाना रोस्ट बन गया है और यहाँ पे मेरा चावल भी बन गया है। और मैं अभी आज सब्ज़ी वगैरह नहीं बना रही हूँ, और जिस दिन मैं सांभर वगैरह बनाती हूँ तो सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, पनीर भी बनाती तो भी सब्ज़ी नहीं बनाती हूँ, क्योंकि उसी के साथ खाते हैं लोग रोटी और टिफिन में भी वही ले जाते हैं। तो गाय, मेरा अभी ये वटाना रोस्ट बन गया है, अभी मैं रोटी बनाती हूँ। और मैंने आटा भी पहले लगा लिया था, अब रोटी सेकती हूँ मैं 10 मिनट में। तो गाय, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो गाइस, मेरा चावल बन गया है और सांभर बन गया है, अभी मैं रोटी बनाती हूँ। और अभी 10 मिनट बचे हैं मेरे पास, 10 मिनट में मैं रोटी वोटी बना के और फिर नाश्ता देती हूँ इनको। तो गाइस, फिर मिलती हूँ मैं आपको। तो गाइस, देखिए मेरा नाश्ता बन गया है और अभी मैं टिफिन पैक करूँ इसके पापा का। और मैंने अचार डाला है नीचे और ये मूली और प्याज का सैलड डाला है। और तो गाइस, मैं टिफिन पैक करती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ आपसे।
तो गाय बच्चे भी चले गए स्कूल और इनके पापा भी ड्यूटी चले गए हैं। और देखिए अभी मेरा नाश्ता हुआ नहीं है, अभी पहले मैं यहाँ पर कौओं को खाना डाल के आती हूँ, उसके बाद मैं नाश्ता करूँगी। और जब भी मैं इनके पापा टिफ़िन पैक करने से पहले कौओं के लिए प्लेट में रखती हूँ जो भी मेरे घर में बना रहते हैं, और मैं हर रोज़ देती हूँ, तो वहाँ पर हर रोज़ कौओ आते हैं खाने के लिए। और देखिए मैं अभी जा रहा हूँ, तो गाइस यहाँ पर रखती हूँ मैं, ऊपर यहाँ पर रखती हूँ और यहाँ पे ना रोज़ रखती हूँ, तो आ जाते हैं, अगर नहीं भी देते हैं ना वो आवाज़ देते हैं। और देखिए अभी आ जाएंगे यहाँ पे कबूतर खाने के लिए, देखिए आ भी गए हैं। और नीचे भी रखती हूँ मैं फ्रूट्स के छिलके हैं, जैसे फ्लावर वगैरह कट करते हैं, पत्ता गोभी कट करते हैं, तो यहाँ रखते हैं। देखिए पिगलू भी आ रहे हैं वहाँ पर, और इसी तरह। तो गाइस देखिए खाने भी लग गए हैं, और यहाँ पे हमेशा रखते हैं ना, उनको पता रहता है। देखिए दूसरे भी आने लग गए हैं और नीचे भी आ रहे हैं पिगलू भी, यहाँ पे यहीं पे रखते हैं हम गेट के पास, अभी तो लॉक डाला है हमने। और देखिए वो भी आते हैं, अभी तो मैंने कुछ नहीं रखा है, अभी कुछ फ्रूट्स भी नहीं है, तो इस तरह रखते हैं तो आते हैं वो लोग। पानी भी रखते हैं हम वहाँ पर, पानी भी पी लेते हैं। और तो गाय जब भी आप कुछ घर पर खाना बना दें, थोड़ा बहुत कौओं को बिल्ली डॉगी वगैरह रहते हैं ना, उनको थोड़ा बहुत देना चाहिए, और हम लोग हमेशा देते हैं। और बिल्ली ने भी एक रोटी खा ली है, मेरी बेटी ने खिलाया था बिल्ली को रोटी, और इसी तरह देते हैं हम लोग। तो गाइस अभी मैं आपको 12 बजे मिल रही हूँ, और अभी मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, काम तो पहले ही ख़त्म हो गया था। और देखिए अभी मैं यहाँ पे सब्ज़ी साफ़ कर रही थी, कल शाम को लेके आई थी मैं सब्ज़ी, और मैं बाकी सब्ज़ी मैंने सारा फ्रिज में रख दिया था, और अभी ये हरी सब्ज़ी बची है मैं अभी साफ़ कर रही हूँ। और यहाँ मैं मेथी लाई थी और सेपू भाजी लाई थी और पुदीना लाई, धनिया लाई, अभी मैं साफ़ करती हूँ। मेरे पास अभी 1-1.5 घंटा है, तब तक मैं साफ़ करके रखती हूँ, क्योंकि साफ़ करने से ना अच्छा पड़ता है। और हरी सब्ज़ी आज शाम को बनाऊँगी मैं, और बाकी सब्ज़ी जो 2-4 दिन चल जाते हैं, और ये हरी सब्ज़ी तुरंत बनानी पड़ती है। और देखिए मैं चटनी भी बनाऊँगी, और पुदीना और धनिया की चटनी बनाऊँगी, और बाकी सब्ज़ी रात को बनाऊँगी। तो गाइस मेरी सब्ज़ी साफ़ हो गई है, और देखिए अभी बच्चे घर में नहीं है, तो मैंने फटाफट सब्ज़ी वगैरह साफ़ कर लिए हैं। अभी मेरा कुछ भी काम नहीं है, मैंने शाम का भी अभी कर दिया, सब्ज़ी वगैरह सारा कर दिया है। तो गाइस आपको फिर मैं, तो गाइस अभी 2 बज गए हैं, अभी मैं जा रही हूँ बाबू को लेने स्कूल पे, और अभी हमने खाना पीना खा लिया है, तो मैंने यहाँ चुन्नी ले लिया सर ढकने के लिए। और तो गाय वीडियो नहीं यहीं पे करती हूँ, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आए होंगे। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ गाय सब्सक्राइब कर दिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।